डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटरमीडिएट की 8th पोएम, 8वीं पोएम माई हेवन, जिसके कंपोजर रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, का अध्ययन करेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 में बंगाल में हुआ था और इनकी मृत्यु 1941 में हुई। रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन उच्च शिक्षा के लिए गए, लेकिन ये वहाँ से बिना डिग्री प्राप्त किए ही वापस आ गए। रविन्द्रनाथ टैगोर पर वहाँ का जो स्थानीय संगीत और संगीतकार थे उनका गहरा प्रभाव था। उनकी कविता पर कबीरदास और दांते का बहुत बड़ा प्रभाव है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत सारी कविताएं, कहानियां, निबंध लिखे हैं, लेकिन इनकी जो गीतांजलि है एक प्रसिद्ध रचना है। गीतांजलि के लिए ही 1913 के में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो यहाँ हमारी जो पोइम है माई हेवन, ये गीतांजलि से ही ली गई है। इस कविता में कवि ने अपने देशभक्ति के जो भाव हैं, विचार हैं, उनको व्यक्त किया है और भारत को एक आदर्श राज्य की कल्पना की है। ये कविता एक तरह से कवि की ईश्वर से प्रार्थना है, भारत को एक आदर्श राज्य की बस्तियाँ मुहैया कराने के लिए। और उस समय जो भारत की स्थिति थी उससे कवि असंतुष्ट था और यहाँ वह एक आदर्श राज्य की कल्पना करता है और इसके माध्यम से वह जनमानस में आज़ादी के प्रति ललक जगाना चाहता है और वह इस कविता के माध्यम से हर क्षेत्र में आज़ादी मुहैया कराना चाहता है, जहाँ जहाँ विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगे हुए थे। तो आए हम देखते हैं आज की यह पोएम माई हेवन। क्या लिखा, हेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, हेयर नॉलेज इज फ्री, हेयर द वर्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाई नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। तो उस समय जो परिस्थितियाँ थी उनसे असंतुष्ट होकर के ये कविता लिखी है। तो लिखते हैं कि हमारा देश हे प्रभु इस तरह का हो जहाँ पर जनमानस भयमुक्त हो और लोगों के कार्य ऐसे हों जिससे वे गर्व से अपने सिर को ऊंचा रख सकें, स्वाभिमान से वो जी सकें। और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हमारे देश में शिक्षा पर जो प्रतिबंध लगे हुए हैं वो प्रतिबंध हट जाएं, हमारे देश में शिक्षा प्रतिबंध विहीन हो। मतलब यह कि उस समय जो शिक्षा थी वो सभी वर्गों के लिए नहीं थी, नारी जाति के लिए नहीं थी, कुछ इस वर्ग के लोगों के लिए ही शिक्षा थी। तो कभी ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हमारे देश में शिक्षा पर लगे प्रतिबंध हटा दिए जाएं, सबके लिए शिक्षा मुहैया हो। और लिखता है कि हमारे देश का जो जनमानस है वो जाति, धर्म, वर्ग, भाषा और क्षेत्र के बंधन रूपी जो संकीर्ण दीवारें हैं उनसे मुक्त हो जाए, अर्थात हमारे देश में जो जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के आधा विभाजन है, हे प्रभु वह खत्म हो जाए। आगे लिखते हैं, बेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ, बेयर टायरलेस स्ट्रिविंग स्ट्रेचिज इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन। क्या लिखा कि जहाँ पर लोगों के जो शब्द हैं सत्य की गहराई से आते हों, अर्थात हमारे देश का जनमानस सत्य वक्ता हो। और क्या लिखा कि हमारे देश के जनमानस में इस तरह की ललक पैदा हो जाए कि वे अपने लक्ष्य की प्रतिपूर्ति के लिए बिना थके परिश्रम करने वाले हों, प्रयास करने वाले हों, वे तब तक न रुकें जब तक जो लक्ष्य निर्धारित किया है वो हासिल न हो जाए। आगे लिखते हैं, बेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द डियरी डेजर्ट्स एंड ऑफ डेड हैबिट। तो
यहाँ वो तर्क को महत्व देते हैं, रूढ़ियों और प्राचीन परंपराओं को खंडित करते हुए लिखते हैं कि जहाँ पर तर्क की स्पष्ट विचारधारा प्राचीन रूढ़ियों, परंपराओं और अंधविश्वास रूपी बंजर रेगिस्तान की रेत जैसी जो है उसमें अपना रास्ता न खोदे, अर्थात यहाँ अंधविश्वासों, रूढ़ियों और परंपराओं को परित्याग कर लोग भारतीय जनमानस इस तरह की स्पष्ट विचारधारा के आधार पर अपने कार्यों को, अपने विचारों को अंजाम दें। आगे लिखते हैं, हियर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाई दी इन टू एवर बाइंडिंग थॉट एंड एक्शन इन टू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अबाग। यहाँ आगे फिर प्रार्थना करते हुए, ये कल्पना करते हुए ये लिखते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, तेरे द्वारा ही भारतीय जनमानस के विचारों को और कार्यों को प्रगतिगामी बनाया जाए, अर्थात हे परमपिता परमेश्वर, तेरे द्वारा ही भारतीय जनमानस के विचार और कार्यों को प्रगतिगामी दिशा निर्देशन दिया जाए। और क्या लिखा, हे परमपिता परमेश्वर, मेरे देश के जनमानस को ऐसी आज़ादी के लिए जो स्वर्ग के समान है जागृत कर दे, सजग कर दे। तो इस तरह से हमारी ये आज की पोएम हो जाती है। थैंक्स।